तो भाई अभी पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल, जस्ट पहुंचने वाले हैं हमारे मरीज के पास। और भैया बढ़िया हाल चाल? आएगी चाय? चलो चलो, राम राम जी। मास्त में यार, रिश्तेदार हो तो ऐसे यार, है ना चीज है यार, है ना बाबा, देख लिए रिश्तेदार काम के है ना हमारे। रिश्तेदार देख ले नहीं आज के टाइम पे खामले ऐसे रिश्तेदार। मैं बाल बाल बना दे आज दिल्लाज अपन रोटी काम खा रहे चांदी की टिफिन में। अरे भाई वाह, मतलब चांदी की टिफिन में, ढक्कड़ स्टील को चांदी को है। अरे यार ये तो सही में मतलब मजाक समझ रहा पहले यार, रियल में क्या बात है। तो राम राम जी, जय जोहार। दोपहर के बज चुके हैं 1:30 और आज मैं ब्लॉग अब से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह से ऐसी भागदौड़ लगी हुई थी हमारी। तो मैं आज आपको एक स्पेशल चीज दिखाता हूँ। देखो आप, सही में मजाक समझ रहा हूँ भाई, कसम की चांदी को यार, मतलब चांदी की टिफिन वास्तव में यार, बताओ। तो ये पक्की बात है कि मैं इसको इनकी नजर हटते ही चुराने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो तो खैर। क्योंकि चांदी को टिफिन यार, ये स्टील को, लेकिन है ये नेक्स्ट धोखाधड़ी वाली बात होगी, लेकिन नहीं तो फिर भी ये काफी हो जा रहा है टिफिन चांदी का। भैया जब देख रही चम्मा होगा तो पैसा वाला आदमी हूँ यार, मलके में ले रहा यार पैसा। देख ले अंकल जी, हाँ यही डेमो मतलब। देख लो भैया चांदी की टिफिन में खाने खा रहे छोटी छोटी। राकेश भैया कैसे हो आप? आपको घना मिस किया मैंने यार। तो फाइनली बज चुके हैं शाम को 7:30 और मैं पहुंच चुका हूं किनके पास, देखो। हेलो रोशन भैया। हेलो हेलो। और सोनिया मैम कैसे हो आप? बस बढ़िया हैं हम। तो ऐसा है कि लड्डू की तबीयत खराब थी तो हमसे रहा नहीं गया, मैं सोचा मैं देखते। ओ मुस्कुरा गई मेरे बच्चा, मुस्कुरा गई। यानी आप ठीक हो, यानी आप ठीक हो। अभी ठीक है, डोंट वरी। इसको 60% रिलीफ मिला है हमारे आने से। और अच्छे अच्छे लोगों को देखते हैं ना फिर बच्चे ऑटोमेटिक खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे रहते दरअसल गंदे गंदे लोग, तो बेटा फर्क तो पड़ेगा। देखो सीधी बात, बच्चे तो दुखी होंगे यार। देखो और कौन कौन है वैसे यहाँ पे? मैंने सुना था आज मेहंदी का प्रोग्राम हो रहा है अपने यहाँ पे। हाँ तो कैसे हो आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा। अरे जुकाम से हो रहा है, क्या चक्कर है? तो वैसे मेहंदी का प्रोग्राम चल रहा, बताया यहाँ पे मेहंदी मेहंदी मेहंदी। वाह 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 वाह, आपने लगाई है दिखाना। अच्छा आपको लगवानी है अभी। वैसे कैसे उदास हो गए हम? Oh my God, मेरी वजह से उदास होने की जरूरत नहीं है, दरअसल मैं आदमी बहुत अच्छा हूँ। ये नया फोन किसका है? 11 12 आपका है यार। हाँ। भाई फोन दिला यार। फोन ऐसा है कि मैं क्या कहूँ, खैर मैं कहते 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 परेशान हो गया। एक्चुअली iPhone 14 Pro Max एडजस्ट नहीं होगा बिकॉज इंडिया में सिलेक्टेड फोन आए थे जो बिक चुके। अब वो मेरे जैसे करोड़पति लोगों के लिए, आप जैसे लोगों को नहीं मिलेंगे जो बच्चे कच्चे हैं। लेकिन फिर मैं करा दूंगा आईफोन। आपका फोन अगर आ गया तो 100% मैं लूंगी भैया, सही बता रहा हूँ। आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदने की बस की तो कहाँ से आएगी मेरी, लेकिन जल्दी अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों के लिए, मैं करा दूंगा पक्का। मतलब आप ये एसके, क्या नाम है इसका, एसके बिस्काई 24, मतलब इतना प्रमोशन कि मेरे ब्लॉग में भी ये कपड़े पहन लिए आपने। ओह माय गॉड, इसे कहते हैं वास्तव में ट्रू कोलैबोरेशन। अच्छी लगी वैसे आपको, ब्लैक शर्ट सूट करती है। ठीक है, मतलब आप लोग मजे ले रहे मेरे से। मैं अभी मैं जाने वाला था भाई यहाँ से, तो मेरे को बोले कि आप चाय तो पिए। अरे सर अरे चाय नहीं नहीं ऐसा मत, चाय नहीं मिला। आओ भी आओ भी आओ। दरअसल राकेश भाई देखो, दरअसल चाय तो पीता नहीं हूँ, सोनिया ने खुद ने कह दिया कि चाय नहीं पीता। ठीक है हाँ, तो नमकीन बिस्किट खिलाओ ना यार, अब बैठे मैं आया हूँ यार, इससे थोड़ी काम चलेगा। पापड़ आपड़ कुछ हो तो वो खिलाओ यार। हाँ उम्मीद तो थी कि आप लेके आओगे कुछ साथ। पापड़ पापड़, अच्छा इतना तगड़ा नाश्ता, वाह वाह वाह। कम है आपके लिए भाई साहब, इतना पापड़ मैं कैसे खा पाऊंगा? वो तभी तो इतना सारा स्टील लेके आए कि आप घर भी तो लेके जाओगे। हाँ मतलब इतने सारे पापड़ को मैं सोच रहा हूँ हमारे पूरे गांव मिलके भी खाए ना तब भी ज्यादा आए। फोन पे कर देना। तो भैया हमने खाना स्टार्ट कर दिया है। ये सीन दरअसल ये है, ये क्या है? ये चावल आपके लिए स्पेशली मेरे लिए। ओ
गॉड, थैंक यू सो मच सोनिया। इसको ना भोजपुरी में बोलते तहरी। तहरी, ओह माय गॉड, मेरे को पता चला था, असली हमारे नमकीन चावल बोलते हैं उनको, मतलब नमकीन चावल बोलते हैं, लेकिन भोजपुरी में कुछ अलग बोलते। और हमारे गांव में पता क्या बोलते हैं इसको? चिपरे चावल। हमारे भी बोलते चरका चावल। चरका चावल, हाँ चरका चावल, चरका चावल बोलते हैं आपकी शहर पे। तो देख लो, हमारे खाने के चक्कर में आप सबको भी खाना मिल गया। बस थैंक यू बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू भैया। हाँ वेलकम। हाँ जी, हम तो इसलिए खा रहे हैं, आप अकेले खाओ अच्छा नहीं लगेगा। कुल मिला के पता है क्या चीज़ है, माहौल बनता है पूरे परिवार एकत्रित होने में। सही बात है। अकेले दोकेले कभी जिंदगी नहीं सकते, इसलिए कहते हैं परिवार इम्पोर्टेंट है। तो सीन दरअसल ऐसा है कि भैया सोनिया के वहां से मैं आ चुका, लेकिन मैं कहां पे, जहां पे आया ना वहां पे मेरे को एक अच्छी सी चीज दिखी जो मुझे लगा आप सभी को दिखानी चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, टेक्नोलॉजी का जमाना है, एडवांस लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं कुछ प्यारी सी चीज दिखा रहा हूँ। देखो, एक एलेक्सा करके एक स्पीकर है जो हमारी आवाज सुनता है, फिर आवाज के अकॉर्डिंग हमें बताता है कि फलानी चीज कहाँ है, क्या करनी है, मतलब गूगल से रिलेटेड कुछ भी पूछ लो इससे, है ना। अलेक्सा ये बताओ, सौरभ जोशी ब्लॉग्स कौन है? ये आपके सवाल का जवाब हो सकता है। सौरभ जोशी ब्लॉग्स एक यूट्यूबर है जिसके 1,76,00,000 सब्सक्राइबर्स हैं। बस स्टॉप यार, बहुत बता दी तूने, इतने डिटेल चाहिए नहीं मोगू। अब देखें मोह जाने कहीं जाने यार है। देखें अलेक्सा ये बताओ, जयपुर का जॉर्डन कौन है? इरफान खान। अरे ये बेइज्जती हो गई भाई, ये तो बेइज्जती हो गई। स्टॉप 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 स्टॉप, जयपुर का जॉर्डन कौन है? insider.com। अलेक्सा आप जयपुर का जॉर्डन यूट्यूब चैनल के बारे में क्या जानते हो? ये आपके सवाल का जवाब हो सकता है। जॉर्डन स्वीटो एक यूट्यूबर है जिसकी 13,00,000 सब्सक्राइबर्स हैं। ओहो, ये तो प्रोफेशनल बेइज्जती हो गई भैया जी। 251 अपलोड के चैनल को 26,00,000। चुप हो जा, ये तो बहुत बुरी है। तो ऐसा है कि अभी मेरी तो जानकारी नहीं है उससे, मतलब मेरा इंट्रोडक्शन है, मेरी बेइज्जती हो गई कुल मिला के। बात दरअसल ये है कि जल्दी हम वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद ये हमारे बारे में बोलेगी, कहने मतलब गूगल पे जो जो चीज अवेलेबल है ना वो ये बोलते तुरंत अपने कहने पे कुछ भी एवरीथिंग। और ये चीज तो अगले दिन बच चुके हैं सुबह के 9:30, और आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। जो बंदे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पुराने बंदे वीडियो को लाइक करके एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ना भाई। राम राम जी, जय जोहार, मिलते कल के प्यारे से ब्लॉग में। घर पहुंच जाऊं कल तक, तो इसलिए प्यारा ही मिलेगा ब्लॉग, कन्फर्म सर ये।